तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोफाजिमिन जो फेनाजिन डेरिवेटिव का एग्जांपल है। इसके पहले मैंने दो लेक्चर में डेप्सोन और फ्लेक्सोन डिस्कस किया था और इसमें हम फेनाजिन डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे जो एंटीलाइट्रोटिक का टॉपिक है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डीफॉर्म सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल का नाम है फार्मेसी स्टडी। तो हम देखेंगे क्लोफाजिमिन क्या होती है। तो दिस इज एन इम्यूनोफेनाजिन डाई, इम्यूनोफेनाजिन डाई है विच इज यूज एज एन एंटीलाइट्रोटिक एजेंट के रूप में ये यूज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो डार्क रेड क्रिस्टल्स होते हैं, ऑर्डरलेस, प्रैक्टिकली सल्यूबल इन वाटर, सल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, स्लाइटली सल्यूबल इन एथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक इसका है कि जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसमें HCl ऐड करते हैं तो वायलेट कलर इज प्रोड्यूस, वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, इसको हम स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर में उसको स्टोर करेंगे। उसके बाद में यूजेस फॉर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। उसके बाद में हम स्टेबिलिटी यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो एंटीलाइट्रोटिक, एंटीलाइट्रोटिक में इसका यूज होता है दोस्तों, एंटीलाइट्रोटिक में इसका यूज होता है ऑफिशियल देखेंगे ऑफिशियल में ऑफिशियल देखेंगे तो इसमें क्लोफाजिमिन IPBT क्लोफाजिमिन IPBT और आपका क्लोफाजिमिन कैप्सूल IPBT कैप्सूल IPBT। उसके बाद में हम देखेंगे ब्रांड नेम, ये सब लिखते चलिए दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे ब्रांड नेम, क्लोफाजिमिन का ब्रांड नेम तो इसका क्लोफेज के नाम से आता है, क्लोफाजिन के नाम से आता है, फेंसिन के नाम से आता है। तो ये हो गए दोस्तों इसके ब्रांड नेम्स। तो अगली जो हमारी ड्रग है वो थायमिथोसिन है जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड थायूरिया की ग्रुप की ड्रग है, कैटेगरी की ड्रग है। तो क्या होता है कि इट इज अ थायूरिया डेरिवेटिव, ये क्या होती है थायूरिया डेरिवेटिव होती है। प्रॉपर्टीज देखेंगे हम इसकी, अब प्रॉपर्टीज देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर
इनसेल्यूबल इन वाटर, इनसेल्यूबल इन वाटर, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, प्रैक्टिकली सेल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, प्रैक्टिकली सेल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, प्रैक्टिकली ये क्लोरोफॉर्म में सेल्यूबल है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज हो गई, अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोर्ड इन विल क्लोज कंटेनर, स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे यूजर, उसके बाद में यूजर एंटीलाइप्रोटिक में इसका यूज होता है दोस्तों, करते हैं इसको ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या है इसका, तो ये मार्केट में सिबा के नाम से आती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया एंटीलाइप्रोटिक ड्रग। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए द फार्मेसी स्टडी को। So thank you for watching this video.